प्रगति राय, गृह विज्ञान विषय विशेषज्ञ, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कैल्शियम। बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर आहार एवं पोषण विज्ञान का टॉपिक हमारा कैल्शियम है। इसके पहले हम खनिज लौड़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। खनिज लौड़ों को आपको बताया गया था कि दो भागों में बांटा गया है, मुख्य खनिज लवण तथा गौण खनिज लवण। अब मुख्य खनिज लवण का सबसे पहला भाग है कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसा खनिज तत्व है जो हमारे शरीर के वृद्धि विकास तथा संचालन के लिए, निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है। अर्थात कैल्शियम हमारे पूरे शरीर में मात्र 4% ही रहता है, मतलब पूरे शरीर में 96% बाकी के पोषक तत्वों से निर्मित रहता है, बाकी शेष 4% खनिज लवणों से बना रहता है। और इन खनिज लवणों में 4% में से आधा यानी 2% कैल्शियम का बना रहता है। अर्थात शरीर में 4% में से 2% सिर्फ कैल्शियम ही कार्य कर रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो कैल्शियम की आवश्यकता हमारे शरीर में बहुत आवश्यक है। कैल्शियम, चूँकि हम नॉर्मली जानते हैं कैल्शियम से हड्डियों का विकास होता है, कैल्शियम प्राप्ति के स्रोत दूध हैं, इसके अलावा भी कैल्शियम के बहुत सारे कार्य अलग अलग बांटे गए हैं हमारे पूरे शरीर में। जैसे जब एक बच्चा जन्म लेता है तो शैशवावस्था के दौरान, शैशवावस्था में उसकी बॉडी वेट करीब 3 से 3.5 kg तक होती है और उसके शरीर में कैल्शियम की मात्रा 27 से 28 ग्राम तक पाया जाता है। वही बच्चा जब एडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसके शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ के 1000 से 1100 ग्राम तक हो जाता है। अर्थात कहीं ना कहीं निर्माण हो रहा है अस्थियों का। इसके उपरांत कैल्शियम तथा फास्फोरस शरीर में इकट्ठे हो रहे हैं जिससे कैल्शियम की मात्रा बढ़ रही है। और कैल्शियम तब तक अपना कार्य नहीं कर सकता है जब तक उसको फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा। अर्थात ये कह सकते हैं कैल्शियम तथा फास्फोरस एक सिक्के के दो पहलू हैं। कैल्शियम तभी शरीर में अब्सॉर्ब करेगा, तभी कार्य करेगा जब उसको पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस भी मिलता रहेगा। तो निर्माण की दृष्टि से देखें, फिर वृद्धि एवं विकास की दृष्टि से देखें तो कैल्शियम बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। कैल्शियम 2% हमारे शरीर में प्राप्त हो रहा है। इन 2% कैल्शियम में से 99% कैल्शियम सिर्फ अस्थियों एवं दांतों में उपस्थित रहता है। 99% बाकी का बचा 1% रक्त, सीरम तथा जितने भी कोमल तंतुए होते हैं उनमें 1% कैल्शियम पाया जाता है। अब आते हैं कैल्शियम के कार्य पे। कैल्शियम का क्या कार्य है मानव शरीर में, इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला है अस्थि एवं दांतों का निर्माण। तो चूंकि पहले ही बताया गया है कि कैल्शियम का कार्य कहीं ना कहीं अस्थि एवं दांतों का निर्माण है और ये निर्माण की प्रक्रिया हो रही है गर्भावस्था से ही निर्माण की प्रक्रिया हो रही है। अगर शरीर में अस्थियों का निर्माण ना हो तो शरीर एक मांस का एक पुतला ही नजर आएगा। तो निर्माण की प्रक्रिया गर्भावस्था से प्रारंभ हो रही है। गर्भावस्था में शरीर में प्रोटीन मैट्रिक्स बनते हैं, निर्माण के दौरान प्रोटीन मैट्रिक्स बनते हैं और ये प्रोटीन मैट्रिक्स बनने के उपरांत शरीर में जो कॉटिलेज तथा बोन्स में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात उपास्थि तथा अस्थि में परिवर्तित हो जा रहे हैं। और ये परिवर्तन धीरे धीरे, जो प्रोटीन मैट्रिक्स है उसमें कैल्शियम तथा फास्फोरस इकट्ठा होता जाता है और इकट्ठा होते होते एक अस्थि का रूप ले लेता है, अस्थि का निर्माण करने लगता है। वही चीज़ है शैशवावस्था में शरीर में 27 से 28% कैल्शियम की मात्रा पाई जा रही है, वही जब बच्चा बड़ा हो रहा है, प्रौढ़ावस्था में, युवावस्था में पहुंच रहा है तो 1000 से 1100 ग्राम कैल्शियम की मात्रा हो जा रही है। तो निर्माण की दृष्टि से देखें, दांतों, अस्थियों तथा दांतों के निर्माण की दृष्टि से देखें तो कैल्शियम का बहुत ही महत्व
स्थान है, मतलब कहीं ना कहीं अस्थियों का निर्माण, इसके अलावा दांतों का निर्माण कैल्शियम के द्वारा ही हो रहा है, दांतों का निर्माण भी कैल्शियम के द्वारा हो रहा है, ये प्रारंभ हो रहा है, ये भी गर्भावस्था से प्रारंभ हो रहा है। गर्भावस्था से ही शिशु के दांतों का निर्माण शुरू हो जाता है, जो गर्भावस्था जैसे ही शिशु का जन्म होता है, शिशु के जन्म के 4-5 महीने के बाद दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन निर्माण गर्भावस्था में ही हो जा रहा है। फिर है वृद्धि एवं विकास। अब चूंकि निर्माण होगा तभी वृद्धि एवं विकास होगी, निर्माण हो रहा है, निर्माण कहीं ना कहीं प्रोटीन से हो रहा है और प्रोटीन का अवशोषण कैल्शियम से हो रहा है, अर्थात प्रोटीन तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक शरीर में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मौजूद नहीं रहेगा। तो निर्माण होगा तभी वृद्धि एवं विकास होगी। तो एक तरह से अगर देखें तो एक डायरेक्ट रोल तो नहीं निभा रहा है कैल्शियम वृद्धि एवं विकास में, इसका कोई अहम भूमिका नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सहायक तत्व के रूप में कार्य कर रहा है। प्रोटीन के अवशोषण में, कार्बोज के अवशोषण में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए वृद्धि एवं विकास से भी इसको जोड़ा गया है, इसके कार्य को जोड़ा गया है। फिर है रक्त जमने में सहायक। रक्त का थक्का बनने में भी कैल्शियम का महत्वपूर्ण योगदान है। जब शरीर में किसी प्रकार की चोट लग जाती है, शरीर क्षतिग्रस्त हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे में क्या होता है कि जो मांसपेशियां होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और वहाँ से खून निकलना प्रारंभ हो जाता है, और ये खून निकलना अगर बंद ना हुआ तो इंसान की जान भी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं कैल्शियम क्या करता है, रक्त को जमने में सहायक प्रदान करता है। तो क्या जब कहीं अगर कट गया तो कटने के बाद जो ब्लड निकल रहा है 5 से 7 मिनट के बाद वो खून निकलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम थक्के के रूप में कार्य कर रहा है और उस चोट के जगह पे एक लेयर बन जाता है जिससे रक्त का थक्का जम जाता है और जो नसें होती हैं या जो कोशिकाएँ टूटी फूटी रहती हैं वो कुछ देर के लिए कवर हो जाती हैं जिससे रक्त निकलना कम हो जाता है। तो इसीलिए रक्त का थक्का जमने में भी कैल्शियम का महत्वपूर्ण योगदान है। फिर है मांसपेशियों के संकुचन में सहायक। कैल्शियम के द्वारा मांसपेशियों का संकुचन हो रहा है क्योंकि अगर शरीर में मांसपेशियों का संकुचन नहीं होगा तो कभी कभी ऐसा हो जाता है शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो शरीर में बहुत ही पीड़ा होती है, मांसपेशियों में पीड़ा, एक बहुत ज़्यादा दर्द होता है और यही दर्द टिटैनी का रोग में परिवर्तित हो जाता है, टिटैनी के रोग में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर कमी हो रही है, मांसपेशियों का सही प्रकार से संकुचन नहीं हो रहा है तो बहुत ही पीड़ा होगी, मांसपेशियों में बहुत ही दर्द होगा जो टिटैनी नामक रोग में परिवर्तित हो जाता है। फिर है हृदय की गति को संतुलित रखना। हृदय की गति को संतुलित रखने में भी कैल्शियम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि हृदय के आसपास जितने भी लिक्विड तंतुएँ होती हैं, लिक्विड चीज़ें होती हैं, उनमें कैल्शियम पाया जाता है और उन लिक्विड चीज़ों के द्वारा ही कैल्शियम का अवशोषण होता है जिससे हृदय की गति सामान्य बनी रहती है। इस पे अनेकों अनुसंधान किए गए, अनेकों शोध किए गए, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मेढकों पे शोध किया, मेढक के शरीर से उनके हृदय को निकाल के कैल्शियम फास्फोरस तथा कुछ ऐसे खनिज तत्वों के लिक्विड में उसके हृदय को डाल दिया और ये देखने की कोशिश की कि क्या कैल्शियम का प्रभाव हृदय पे पड़ता है, अगर कैल्शियम नहीं रहती है तो उसका हृदय किस प्रकार से कार्य कर रहा है, अगर कैल्शियम है तो किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो शोधों में ये पाया गया कि अगर कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी हो जा रही है तो हृदय की गति असामान्य हो जा रही है और अगर कैल्शियम की मात्रा रह रही है तो हृदय की गति सामान्य एवं संतुलित बनी हुई है। फिर है एंजाइम की क्रिया में सहायक। हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, उनके पाचन और अवशोषण तथा संग्रह, मतलब इत्यादि कार्यों के लिए कैल्शियम का कहीं ना कहीं योगदान है। जैसे छोटी आंत के अवशोषण में भी कैल्शियम का योगदान है, कैल्शियम के द्वारा छोटी आंत में अवशोषण की क्रिया होती है। इसके अलावा हमारे शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन्स पाए जाते हैं, उन इंसुलिन नामक हार्मोन्स का श्रवण भी कैल्शियम के द्वारा ही हो रहा है।
फिर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इसका जब भी हम ग्रहण कर रहे हैं ये तब तक क्रिया नहीं करेगी जब तक हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा नहीं पाई जाएगी। जब हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है, जितनी आवश्यक है, तो इन पोषक तत्वों का भी जो भी क्रियाएँ हैं, जो शरीर में उसका अवशोषण हो रहा है, उसमें सहायक का रोल अदा कर रहा है। तो कैल्शियम इन कार्य में, मतलब कैल्शियम का ये कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे खनिज लौड़ों में से एक तरह से एक तिहाई कार्य कैल्शियम ही कर दे रहा है, बाकी का जो बचा है वो बाकी के पोषक तत्व मिलके, खनिज तत्व मिलके कर रहे हैं। अब आते हैं प्राप्ति के साधन पे, कौन कौन से साधन हैं जिससे कैल्शियम की प्राप्ति हो सकती है। तो अगर ऐसे देखें तो सबको पता है कि दूध एक ऐसा पोषक तत्व है जिनमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, मतलब दूध के द्वारा हम कैल्शियम का सेवन कर सकते हैं। तो दूध या फिर दूध से बने हुए प्रत्येक भोज्य पदार्थ, दूध का अवशोषण हमारे शरीर में बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, चूँकि दूध में कैल्शियम भी है और दूध में लैक्टोज भी है, तो कहीं ना कहीं कैल्शियम के द्वारा लैक्टोज का अवशोषण हो रहा है, तो एक दूसरे से सारे पोषक तत्व तो जुड़े हुए हैं, कार्य कर रहे हैं। तो दूध अगर हम ले रहे हैं तो प्राप्ति का बहुत अच्छा स्रोत है। दूध से बने जितने पोषक तत्व तो हैं सब में कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियाँ हो गई, जैसे चौलाई का साग हो गया, इसके अलावा सहजन की पत्तियाँ हो गई, तो इन सब में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फिर है सूखे मेवे हो गए, तिल हो गया, छोटी मछली, छोटी मछली अस्थि रहित, अर्थात जो छोटी मछली को हम कांटा रहित खाते हैं, उसमें जो कांटे रहते हैं उसकी अस्थियाँ होती हैं, उसके रहे वो अगर रहे साथ में, अगर उसका सेवन कर रहे हैं तो कैल्शियम की मात्रा हमें मिल रही है। अगर इन सारे चीज़ों को देखें तो सबसे अधिक अगर कैल्शियम किसी में पाया जा रहा है तो वह तिल में पाया जा रहा है, लेकिन छिलके सहित तिल में पाया जा रहा है। तो छिलके सहित तिल का सेवन करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जो उसके छिलके होते हैं वो अघुलनशील पदार्थ होते हैं और उसका पाचन नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं हम तिल का सेवन जब कर रहे हैं तो छिलके रहित तिल का सेवन कर रहे हैं, और जब छिलके रहित तिल का सेवन करेंगे तो कैल्शियम की मात्रा कम हो जा रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये दूसरी श्रेणी पर आता है। लेकिन अगर छिलके सहित अगर इसका सेवन किया जाए तो कैल्शियम की मात्रा इसमें बहुत अधिक पाई जाती है, लेकिन अवशोषण शरीर के द्वारा नहीं हो पा रहा है, इसीलिए छिलके को उतार के इसका सेवन किया जाता है, तब इसकी मात्रा, कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। अब आते हैं, कैल्शियम के कार्य हो गए, प्राप्ति के स्रोत हो गए। अगर कैल्शियम की कमी हो गई मानव शरीर में तो क्या क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं? तो कैल्शियम की कमी के प्रभाव बच्चों में भी देखने को मिल सकते हैं, फिर प्रौढ़ों में भी देखने को मिल सकते हैं, वृद्धों में भी देखने को मिल सकते हैं। अर्थात कैल्शियम एक ऐसा खनिज तत्व है जो गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक निरंतर चल रहा है, मतलब इसकी कभी कमी नहीं होनी चाहिए। तो बाकी सारे अगर अवस्थाओं को देखें तो प्रौढ़ावस्था में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि गर्भावस्था में, शैशवावस्था में तथा वृद्धावस्था में है, क्योंकि प्रौढ़ावस्था में कहीं ना कहीं शरीर पूर्ण रूप से निर्माण हो चुका है, पूर्ण रूप से तंदुरुस्त है, तो थोड़ी मात्रा कम चाहिए बाकी अवस्थाओं की अपेक्षा। तो अगर कमी हो जा रही है तो सबसे पहले दिखेगा भूख में कमी, फिर इसके अलावा चक्कर आना, फिर उच्च रक्तचाप, ये सारे आम लक्षण हैं। लेकिन अगर कोई बीमारी देखा जाए तो कैल्शियम की कमी से टिटैनी नामक रोग हो जाता है। टिटैनी, जो कि बताया गया है कि अगर कैल्शियम की कमी हो जा रही है तो पूरे मांसपेशियों में बहुत ही भयानक दर्द होता है, बहुत ही पीड़ा होती है, मांसपेशियों का संकुचन नहीं हो पाता है सही प्रकार से, तो उसी रोग को कहते हैं टिटैनी। मतलब अगर मांसपेशियों में बहुत भयानक दर्द हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है जिसके कारण ये परेशानी हमें हो रही है। इसके अलावा ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है, ये ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है, महिलाओं में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है, खासकर हमारे भारत जैसे देश में। तो इससे क्या होता है, जब कैल्शियम की कमी हो जाती है, चूँकि इनकी जो भी गृहिणियाँ हैं, जो इनके कार्य हैं, प्रतिदिन के कार्य हैं, उस हिसाब से ये कहीं ना कहीं कैल्शियम की मात्रा नहीं ले रही हैं, जिसके कारण इनकी जो अस्थियाँ हैं, हड्डियाँ हैं, बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाती हैं, अस्थियों में, इनके हड्डियों में दर्द रहता है, इसके अलावा हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जो थोड़े बहुत चोट में क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, मतलब टूट फूट जाती हैं, चोट लग जाती है तो जल्दी रिकवर नहीं होता है, तो वही ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। तो ये ज़्यादातर, मतलब प्रौढ़ों में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये रोग महिलाओं में ही देखने को मिलते हैं। फिर है वृद्धि,
अवरुद्ध होना, क्योंकि वही चीज़ है कि डायरेक्ट इसका कोई इफ़ेक्ट तो नहीं है डेवलपमेंट और ग्रोथ में, लेकिन कहीं ना कहीं सहायक के रूप में कार्य कर रहा है, क्योंकि निर्माण नहीं होगा तो वृद्धि एवं विकास नहीं होगी। एक गर्भ में जब शिशु है तो प्रोटीन मैट्रिक्स उसके शरीर में बन रहा है, और वही प्रोटीन मैट्रिक्स में फास्फोरस तथा कैल्शियम जाके इकट्ठे होते होते उनकी अस्थियां मजबूत हो जा रही हैं, मतलब एक हड्डी का एक ढांचा का निर्माण कर दे रहा है। तो वृद्धि एवं विकास के दृष्टि से भी देखें तो इसका उतना ही रोल है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, लेकिन है। तो कैल्शियम के कमी के प्रभाव से बहुत सारे रोग हो सकते हैं, बहुत सारी कमियाँ हो सकती हैं, और इसके अधिकता से भी, जैसे कोई भी पोषक तत्व अगर हम अधिक मात्रा में ग्रहण कर रहे हैं तो उसके भी कमी हो सकते हैं। जैसे कमी के प्रभाव हैं वैसे अधिकता के भी प्रभाव हैं। अब मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू।